चुनाव आते ही नेताओं के वादों का दौर शुरू हो जाता है। कुछ साल पहले एक पार्टी ने देशवासियों को 15-15 लाख रुपए खाते में देने का वादा किया था। वहीं अब ऐसा ही कुछ दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल भी कर रहे हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आप संयोजक अरविंद केजरीवाल गुजरात दौरे पर हैं। केजरीवाल ने गुजरात में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने पर गुजरात की महिलाओं के खाते में 1,000 रुपए भेजने का ऐलान कर दिया है। आज यानी कि रविवार को केजरीवाल एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे। जनसभा में केजरीवाल के साथ पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी मौजूद थे। केजरीवाल ने सरकार बनने पर गुजरात की महिलाओं के लिए 1,000 रुपए खाते में देने का वादा कर दिया। केजरीवाल ने घोषणा करते हुए कहा कि 1,000 रुपए हर महिला के खाते में देंगे। हर महिला को हम उसके अकाउंट में देंगे। मैं सभी महिलाओं को कहना चाहता हूँ, हवे तुम्हारे चिंता करवानी जरूरी नथी, तुम्हारो भाई आवी गयो छे। जनसभा को संबोधित करते हुए केजरीवाल ने माइक पर गुजरात में कहा कि मैं अपनी बहनों से कहना चाहता हूं कि उन्हें अब चिंता करने की जरूरत नहीं है, तुम्हारा भाई आ गया है। बता दें कि केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने शनिवार को गुजरात के 2 दिवसीय दौरे की शुरुआत की थी। बता दें कि गुजरात में इस साल दिसंबर में विधानसभा चुनाव होना है। आम आदमी पार्टी के दोनों नेता आदिवासी बहुल वलसाड़ जिले के धर्मपुर और सूरत जिले के करोदरा में जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं। आपके राष्ट्रीय संयोजक केजरीवाल और मान ने शनिवार को दाहोद शहर में एक जनसभा को संबोधित किया था और वडोदरा में तिरंगा यात्रा में भाग लिया था। गौरतलब है कि आप गुजरात में खुद को भाजपा के मुख्य विपक्षी दलों के रूप में स्थापित करने की कोशिश कर रही है। बता दें कि गुजरात में 27 वर्ष से भाजपा की ही सरकार है। इससे पहले दाहोद में एक जनसभा को संबोधित करते हुए अरविंद केजरीवाल ने लोगों से कहा था कि अगर आप आम आदमी पार्टी गुजरात में सत्ता में आ जाती है तो भगवान राम के दर्शन के इच्छुक लोगों की अयोध्या यात्रा का पूरा खर्च उठाएंगे। आप प्रमुख ने कहा था कि गुजरात में दिसंबर में होने वाले विधानसभा चुनाव में आपको जीत मिलेगी क्योंकि वो जनता और ईश्वर के लिए काम कर रहे हैं। गुजरात के 2 दिवसीय दौरे के पहले दिन केजरीवाल ने कहा, अयोध्या में राम मंदिर अगले साल तक बनकर तैयार हो जाएगा। कौन कौन मंदिर जाना चाहता है? आप सभी जाना चाहेंगे, लेकिन यात्रा, वहाँ रहना, खाना और सब कुछ बहुत महंगा है ना? और अगर आप पूरे परिवार के साथ जाते हैं तो खर्च कितना पड़ जाएगा? उन्होंने कहा, अगर हम गुजरात में सत्ता में आ गए तो अयोध्या जी का निशुल्क दर्शन कराएंगे। खैर, ये कोई नई बात नहीं है। चुनाव का मौसम आते ही नेताओं के इस तरह के वादे सुनने को मिलते ही रहते हैं और आगे भी सुनते ही रहेंगे।